यू है तो फिर बाल्मुकुम जी की मूर्ति क्यों गायब हुई? हम्म, तो बाल्मुकुम जी है ये क्यों कहे कि कहे हम तो उसे ही बैठे थे। प्रश्न, पहली बात तो यह है कि वेदाद किसी भी धर्म ग्रंथ में मूर्ति पूजा का, जड़ मूर्ति की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्तियाँ क्या है, जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं वो परमात्मा की बनाई हुई, आदिनारायण की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। यदि मनुष्य परमात्मा की मूर्ति बनाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक अपमान करता है, ये वेद का सिद्धांत है। इसलिए वैदिक मनुष्यों के मन में था ही नहीं कि हम किसी की मूर्ति बनाएं। और सबसे बड़ी बात, जो अनंत शोभा वाला त्रिगुणातीत स्वरूप है उसकी स्थूल पदार्थों से, मिट्टी से, पत्थर से, किसी धातु से मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती। इसलिए वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता में कहीं भी मूर्ति पूजा का न तो उल्लेख है, न किसी ऋषि मुनि ने की। पौराणिक काल में महापुरुषों को ही परमात्मा का स्वरूप मान करके पूजा की जाने लगी, जैसे राम है, हनुमान है, शिव है इत्यादि। इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीकृष्ण जी की भी मूर्तियाँ बनी, और हमें पता है कि 11 वर्ष 52 दिन के स्वरूप के अंदर राज्य का आवेश आया था, किंतु संसार को पता नहीं है। संसार तो क्षर अक्षर और अक्षरातीत में भी भेद नहीं समझ पाता, इसलिए वो आदिनारायण को ही कहीं अक्षरातीत मान लेते हैं, और अक्षरातीत के सारे लक्षणों को आदिनारायण में घटाते हैं, कहीं विष्णु के अवतारों में घटाते हैं। जैसे वैष्णवों को आप देखिए तो राम को ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के रूप में मानेंगे। उनको कितना भी आप समझा लीजिए कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं तो मानने को तैयार नहीं होंगे। जो बालमुकुंद की मूर्ति अदृश्य हो जाती है उसका भाव यह है कि मूर्ति तो वही थी, मूर्ति दिखाई नहीं पड़ रही थी। इन चीज़ों को एक भावात्मक रूप से लेना चाहिए। जैसे एक तिरंगा झंडा है, भारत के तिरंगे झंडे को आप जला दें तो पुलिस बिना किसी ऊपर से आदेश लिए हुए आपको गोली मार सकती है। भारत के झंडे को जला देने से पूरा भारत नष्ट नहीं हो जाएगा, किंतु भारत की गरिमा नष्ट हो जाती है। इसलिए भारत का कोई व्यक्ति यह सहन नहीं कर सकता, या किसी भी देश का कोई व्यक्ति यह सहन नहीं कर सकता कि उसके राष्ट्रीय ध्वज को जलाया जाए। इसी प्रकार बालमुकुंद तो अखंड ब्रज के अंदर है, वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि देवचंद जी के अंदर उन श्यामा जी की आत्मा है। ऐसे साहित्य में राधा को ही श्यामा जी कहा जाता है। श्यामा का तात्पर्य यह होता है कि तप्त कंचन वर्ण आभासा श्यामा उचित है, तपाई हुए कंचन वर्ण वाली षोडश किशोरी जो कन्या होती है उसको श्यामा कहते हैं। इसलिए संस्कृत साहित्य में राधा को भी श्यामा कहते हैं, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में श्यामा सीता को भी श्यामा कह दिया गया है। सा श्यामा ध्रुवम एव आगमिष्यति, यह हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा है। इसी प्रकार परम धाम में जो परब्रह्म की हलादिनी शक्ति का जो स्वरूप है वो किशोर स्वरूप है, उनको हम श्यामा शब्द से संबोधित करते हैं। तारतम्य ज्ञान न होने से बालमुकुंद को यह पता नहीं है कि परम धाम की श्यामा जी की आत्मा आई है। वो रास वाले स्वरूप को ही सब कुछ मानते हैं। उनको यह पता है कि परब्रह्म की हलादिनी शक्ति ने अखंड महाराज की लीला की थी, और जब ब्रज में वह शक्ति थी तो राधा के तन में थी, उसी रूप में वो मान रहे हैं। और उनकी यह धारणा है कि मैं उस तन से सेवा नहीं करवा सकता क्योंकि मैं तो विष्णु स्वरूप हूँ, और मुझे बालकृष्ण का तन धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और बालकृष्ण का तन धारण कर योग माया के ब्रह्मांड में मैं अखंड आनंद का भोक्ता तो अवश्य हूँ, किंतु श्यामा स्वरूपा से देवचंद जी से मैं सेवा नहीं करवा सकता, इसलिए जो है मेरी मूर्ति उनको दिखाई न पड़े। और उनकी दृष्टि से योग दर्शन में एक विभूति होती है कि योगी अपने संकल्प बल से वहीं रहता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मूर्ति तो जड़ पदार्थ है, मूर्ति कहीं गई नहीं थी, मूर्ति वही थी। जो चौपाई में लिखा है कि मैं तो वही था, इसका तात्पर्य यह है कि मेरी मूर्ति वही थी। बालमुकुंद कहाँ है? बालमुकुंद तो अखंड ब्रज में विराजमान है, और अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने क्षण भर तक हरिदास जी को दर्शन भी दे दिया है, लेकिन देवचंद जी को वो दर्शन नहीं देते हैं क्योंकि उनका स्पष्ट कथन है कि मैं इनकी सेवा ना सह सकूँ ना सह सकूँ एहसान। यही कारण है कि अपनी योग शक्ति से, अपने ऐश्वर्य की शक्ति से बालमुकुंद जी ने अपनी मूर्ति के ऊपर
मूर्ति को अंतर्ध्यान करती है। अंतर्ध्यान करने का तात्पर्य दृष्टिबंध की जो प्रक्रिया होती है, जैसे योगी किसी का भी दृष्टिबंध कर देता है, वो सबके बीच में रहेगा लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं पड़ेगा, उसी तरह से मूर्ति वहीं थी और वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। भावात्मक अभिव्यक्ति यह थी कि मैं इनसे सेवा नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम सामान्य रूप से देखते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, वो अपने माता पिता से, बड़ों से तो पैर छुआएगा नहीं, जबकि उससे ज़्यादा उम्र के लोग उनके पैर छू सकते हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी योगी महात्मा ही क्यों ना हो, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने गुरुजनों से पैर छुआना पसंद नहीं करेगा। देखा जाए तो एक ही चेतना है, लेकिन एक शिष्टाचार है, एक प्रकृति की मर्यादा है कि संसार में आए हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने ज्ञान दिया है, उसके पैर तो हम छू लें, लेकिन हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाएँ उसे हम पैर न छुएं। बस यही बात है। बालमुकुंद जी को ये मालूम है कि मैं यथार्थ में विष्णु स्वरूप हूँ और उन जिस राधा जी की कृपा से मुझे अखंड का सुख मिलने भोगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनसे मैं सेवा कैसे कराऊँ। भले ही वो मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, जैसे किसी के लिखे हुए पत्र को उसके सामने फाड़ दिया जाए तो क्या लगेगा, उसका हृदय फाड़ दिया है। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, कलाकार था, और वो चौराहे पर रख दिया कि इसमें जो गलतियां हों आप दिखा दीजिए। कितने लोगों ने उस पर क्रॉस मार्क कर दिया कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। उस कलाकार को ऐसा लगा कि सब ने मेरे शरीर को, हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वो तो चित्र है, हृदय नहीं है, किंतु हृदय की सारी कला उस चित्र में संग्रहित हो गई है। मूर्ति में यही भाव होता है। मूर्ति जड़ है, सब जानते हैं, लेकिन मूर्ति को कोई लात मारे, मूर्ति को कोई तोड़े तो स्वाभाविक रूप से कष्ट होता है। मूर्ति परमात्मा नहीं है, लेकिन किसी भी महापुरुष की मूर्ति का अपमान किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि आर्य समाज का जो कट्टर अनुयायी होगा वो भी दयानंद के चित्र का अपमान सहन नहीं कर सकता। हम भी राम का, शिव का, महापुरुषों का अपमान सहन नहीं कर सकते। उनकी मूर्ति को कोई फाड़े, उस पर गंदगी करे तो किसी को भी पीड़ा हो सकती है, भले ही कोई मूर्ति पूजा नहीं करता हो तो क्या। यही भाव है कि बालमुकुंद को यह भी स्वीकार नहीं है कि मेरी मूर्ति की भी पूजा देवचंद जी करें, इसलिए वो अदृश्य कर दिया था। इस प्रश्न का आगे का हिस्सा पुनः पढ़िए। ये काव्य की भाषा है, काव्य में कई चीज़ें अलंकारिक रूप से कह दी जाती है। हम तो उतने ही बैठे रहते का तात्पर्य है मेरी मूर्ति वहाँ विराजमान थी, अदृश्य मैंने अपने युगबल से कर दिया था। लेकिन ये इसको यथार्थ रूप में न दर्शाकर काव्य की भाषा में कहा गया है। इसके शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए, भावात्मक लेना चाहिए, क्योंकि जो दर्शन के अनुसार घटित होता है वही मान्य होता है। देखिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए कि हम एक अक्षरातीत परब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी से अपनी आत्मा का प्रेम न बांटें। एकनिष्ठ प्रेम में ये आवश्यक है। गीता में इसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहा गया। अव्यभिचारिणी भक्ति का तात्पर्य क्या है? जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, पतिव्रता पड़े से भी न था ये वैश्या जैम। पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी का जूठन नहीं खा सकती, किसी के को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकती। यही भाव दर्शाने के लिए हमारे कर्मकांड के में विधान बनाया गया है कि हम राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता का प्रसाद न लें। लेकिन ऐसा करने का मुख्य प्रयोजन क्या है कि हम जो है केवल राज्य पर ही अटूट निष्ठा रखें। पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्य तू अनन्या। अनन्या का अर्थ होता है एक परब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की भी भक्ति हम न करें। सम्मान सबका करें, सभी महापुरुषों का सम्मान करें। योगेश्वर शिव हैं, राम हैं, हनुमान हैं, ये सभी महापुरुष हैं, हमारी संस्कृत के महान पुरुष हैं। इनका आचरण सारे विश्व के लिए अनुकरणीय है, किंतु ये परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक है, अनादि है, अखंड है, सच्चिदानंद है और वो अक्षरातीत है।
तो जो भोजन के जो प्रसाद देने की बात है, जो भी मार्केट में जाकर आप मिठाई खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो मिठाई बेचने वाला अपने इष्ट को भोग लगाकर सब पर छिड़क देता है। इस आधार पर तो मार्केट से कोई भी आप मिठाई ला करके भोग लगाएंगे तो पहले से वो जूठी हो चुकी है। कर्मकांड के नियमों पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ आज के युग में। हाँ, जैसे भोजन करते समय परमात्मा के नाम लेने का विधान क्यों है? पहली बात तो ये कि मूर्ति कभी खाती नहीं। हनुमान की मूर्ति के आगे आप कुछ भी रख देंगे तो हम मूर्ति कभी खाएगी नहीं, वो श्रद्धा समर्पित की जाती है। अब जैसे भोजन करते समय वैदिक परंपरा वाले क्या करते हैं, या बोलते हैं कि सत्यंत वर्तेन परिसिंचाम अमृता उपस्तरणम स्वाहा, कि हम हर भोजन करते समय, स्नान करते समय, उठने के बाद हमेशा किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़े रहे, नकारात्मक हमारा चिंतन न हो। उसी भाव को दर्शाने के लिए मनीषियों ने विधान किया था कि हम भोजन करते समय परमात्मा का नाम अवश्य लें। एक बात ध्यान में रखिए, आप हाई स्टार होटल में जो भोजन करते हैं उसके स्वाद में और घर में वही भोजन बनाकर परमात्मा को समर्पित करके खाने में, दोनों के स्वाद में अंतर रहेगा। हाँ, ये जरूर आप है कि आपका घर साधारण होगा तो उसका कोई महत्व को नहीं समझेगा, और फाइव स्टार होटल में केवल बिल्डिंग का महत्व रहेगा कि आप शानदार भवन में बैठे हैं, किंतु जो परमात्मा को समर्पित करके भोजन किया जाता है उसका रस कुछ और ही होता है। इसका कारण क्या है? परमात्मा का नाम लेते ही हमारे अंदर एक दिव्य भावना आ जाती है। भोजन करते समय यदि भोजन बनाने वाला विकृत मानसिकता से बनाता है, शराबी है, मांसाहारी है, दुराचारी है, हिंसक है, तो उसके बनाए हुए भोजन करने से भी मन में अशांति आ जाएगी। भोजन करते समय हम तरह तरह के वैकारिक आवेगों के वशीभूत रहेंगे। यदि हम किसी पर क्रोध कर रहे हों, क्रोध करते समय हम भोजन करेंगे तो हमारे अंदर विष का प्रवेश हो जाएगा। क्रोध करते समय हम किसी वासना से ग्रसित रहते हैं, द्वेष से ग्रसित रहते हैं, घृणा के विकारों से भरे रहेंगे, तो वो उस भोजन से जो रस बनेगा हमारे मन में कभी शांति नहीं बनने देगा। भोजन किसी पाप की कमाई का होगा तो उसको ग्रहण करने पर हमारा मन हमेशा अशांत रहा करेगा। इसलिए हर ऋषि मुनि ने प्राचीन काल से विधान बनाया है कि भोजन करते समय भी यदि हम परमात्मा का नाम लेकर के भोजन करते हैं तो परिणाम क्या होगा? हमारे मन में एक पवित्रता रहेगी और वही पवित्रता अध्यात्म की तरफ ले चलेगी। इसलिए प्रत्येक मनीषी, प्रत्येक ऋषि मुनि भोजन से पहले परमात्मा का स्मरण करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सृष्टि में सब कुछ तो उसी का है। आपका क्या है? आपका तो अपना शरीर भी नहीं है, एक कण भी आपका नहीं है। जरूर आप अपने महल को, अपने शरीर को अपना कहते फिरते हैं, किंतु वास्तव में तो आपका कुछ भी नहीं है। आपने अर्थोपार्जन किया, अर्थोपार्जन करके कुछ अच्छे व्यंजन बनाए, आप कहते हैं कि हम परब्रह्म को खिला रहे हैं। आप खिला नहीं रहे, आप तो अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए भोजन समर्पित कर रहे हैं। हाँ, प्रेम के भाव में आप खिलाने की बात करते हैं। परमात्मा को भूख से रहित कहा गया है, परमात्मा भूखा प्यासा नहीं होता। अप्रणव अमनो शुभ्रो ये अक्षरात परता पर, अक्षर से परे जो अक्षरातीत है वो पंचभौतिक प्राण से रहित है, मन से रहित है। और जो जिसमें पंचभौतिक प्राण नहीं होता उसको भूख नहीं लग सकती, प्यास नहीं लग सकती, तो खाने की बात नहीं। हाँ, हमारे प्रेम को वो ग्रहण करता है। यदि हम भोजन करने में इतने उतावले हों कि भोजन करने से पहले परब्रह्म का स्मरण भी ना करें तो इसका अर्थ यह है कि हमारे हृदय में अभी शुद्ध प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है कि अष्टपहर हम उसमें तारतम्य बनाए रखें। कोई भी ब्रह्मात्मा, जैसे आप संसार का भी उदाहरण देखें, सीता ने बिना राम के तो कभी भोजन नहीं किया। सीता है या जितनी भी द्रौपदी हैं, जितनी पंचकन्याएं हैं, सतियां हैं, बिना अपने पति को भोजन कराए कर नहीं सकती स्वयं भोजन। इसलिए हर ब्रह्मात्मा से ये अपेक्षा की जाती है कि भोजन करने से पहले राज्य का कम से कम स्मरण तो कर ले कि राजी आप मेरे साथ खाइए, और ये भावना रखा जाता, भाव रखा जाता है कि मेरी आत्मा राजी को खिला रही है। ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। राजी आपके भोजन को नहीं खाते, आपके प्रेम को ग्रहण करते हैं। जिस दिन राजी आपकी रोटी में से एक कौर भी खा लेंगे तब तो उस दिन आप धरना देकर बैठ जाएंगे कि राजी आप
मेरे से आज खुश हो गए हैं, आज इतने वरदान मुझे दे दीजिए, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बना दीजिए, सबसे धनवान बना दीजिए, मेरी शोभा शाकुंडल छत्र से भी अधिक कर दीजिए, आप हिसाब लेना कर शुरू कर देंगे। इसलिए राज जी, केवल आपका भाव देखते हैं, आपके हृदय का प्रेम देखते हैं, वो आपसे व्यंजनों की अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप 56 व्यंजन ही खिलाओगे तो मैं खाऊंगा, वो तो आपके हृदय की विशुद्ध भावना की चाहत है। इसलिए हमें अध्यात्म मार्ग पर ले चलने के लिए प्रक्रिया परमहंसों ने दर्शाई है, क्योंकि कुछ भी भोजन करें तो हम राज्य को समर्पित करें और राज्य को भोग लगाने के प्रति भी यही भावना है। मूर्ति पूजा वाले भी यही भाव लेते हैं, लेकिन वो उनकी धारणा कुछ बदल जाती है। एक बार और प्रश्न को दोहरा दीजिए। तो हाँ, शास्त्र में केवल यही कहा गया है, गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति का वर्णन किया गया है, जैसे अभी मैंने वाणी की चौपाई बोली या गीता का उदाहरण दिया कि पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। कैसे अक्षर अतीत प्राप्त होगा? अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति का ही आशय है कि एक परब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी हमारा उपासन हो, उसके अतिरिक्त किसी अन्य का हम भोग न लगाएं, और इतनी अटूट निष्ठा हो कि हम राज्य के अतिरिक्त किसी को अपना सर्वस्व माने ही नहीं। इसलिए पतिव्रता किसको भोग लगाएगी? केवल राज्य को भोग लगाएगी, वो किसी देवी देवता का, हनुमान जी का, गणेश का, शंकर जी का, किसी का भोग ग्रहण नहीं करेगी। यही निष्ठा दर्शाने के लिए किया गया है। किंतु यदि आप चितवनी करते हैं, यदि आप अपने हृदय में युगल स्वरूप को बसाते हैं, आपका मन हर पल राज्य के चरणों में लगा रहता है, तो खाने पीने से कोई विशेष बात नहीं होती है। सच बात यह है कि कोई शंकर जी को भोग लगाता है तो शिवलिंग तो शंकर जी नहीं है, वो तो पत्थर का ढेर है। शालिग्राम कोई विष्णु भगवान थोड़े, वो तो किस्सा कहानी के आधार पर सबने मान लिया कि ये शालिग्राम भगवान है, तुलसी का पत्ता देने पर भोग मानते हैं। हनुमान जी के भी एक पत्थर की मूर्ति बना देती है तो क्या वो हनुमान जी थोड़े? इसलिए कई बार संकट की घड़ी हो जाती है। हाँ, यदि आप किसी का दीवा प्रसाद खाते हैं तो सुंदर साथ कहेंगे कि देखो इसने, ये तो धर्मभ्रष्ट हो गया, इस देवता का प्रसाद खा लिया। आपकी निष्ठा में कमी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी खाइए, राज्य का नाम लेकर खा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सुंदर साथ को किसी के कार्यक्रम में जाना पड़ता है और वहाँ यदि उनका दिया हुआ कुछ ग्रहण न करें तो सामाजिक रिश्ते टूटते हैं कि हमारे यहाँ आए थे, हमारा तो हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा कही गई थी, हनुमान जी का पूजन हुआ था, आपने खाया ही नहीं। पहली बात तो यह है कि हनुमान जी की मूर्ति ने कुछ खाया नहीं होता, न विष्णु भगवान ने खाया होता। यदि आपको कोई खाने के लिए कहता है तो प्रयास ले लीजिए, उसको किसी को दे सकते हैं। नहीं देने की स्थिति है तो आप शुद्ध हृदय से राज्य का संकल्प लेकर के, राज्य का नाम लेकर के ग्रहण कर लीजिए। हाँ, ये ध्यान, ये ऐसा मत सोचिए कि हम किसी का जूठा खिला रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है, ऐसे तो कट्टरवाद यही कहेगा कि किसी मूर्ति के आगे रख लेने पर वो देवता ग्रहण कर लेते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि यदि ग्रहण करने की यदि इतनी शक्ति थी तो जब महमूद गजनवी ने, गौरी ने या महमूद गजनवी ने सबने आक्रमण किया था काशी विश्वनाथ पर, औरंगजेब ने भी आक्रमण किया था, तो काशी विश्वनाथ के शंकर जी को कुएं में छिपा दिया गया था और सब जगह सोमनाथ का क्या हाल हुआ सबको मालूम है, मथुरा के मंदिरों को तोड़ा गया, कोई भी मूर्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकी। इसलिए हम समझें कि जितनी मानव योनियां हैं, जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं, ये परमात्मा की बनाई हुई चेतन मूर्तियां हैं। जड़ मूर्ति में यदि परमात्मा आवाहन करने से नहीं आता, ये वेद विरुद्ध मान्यता है, और उसका वो लगाया हुआ भोग वास्तव में भोग नहीं होता। भोग तो हृदय से स्वीकार होता है, हमारे हृदय का प्रेम स्वीकार है। आप देखेंगे शास्त्रीय मान्यता में तो केवल ब्रह्म को ही सब कुछ समर्पित किया जाता है। यज्ञ में आहुति देने से पहले 7 आहुतियाँ दी जाती है, इदम इंद्रा, इदम नमम, इदम वरुणा, इदम नमम, इदम अग्नि, इदम नमम। ये सब क्या है? ये सब इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, ये सब परमात्मा के नाम है। कहने का भाव क्या है कि यह मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, यही भाव दर्शाना होता है। यथार्थ में परमात्मा खाने पीने के बंधन में नहीं है, परमात्मा को हमें समझना होगा। वो केवल प्रेम का भूखा है और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए
हमारा हृदय राज्य के प्रति समर्पित है तो सब कुछ ठीक है। मान लीजिए कि यदि आप चितवनी करते हैं, राज्य के प्रति आपका हृदय समर्पित है, कोई प्रसाद देता है तो आप राज्य का नाम लेकर खा लेते हैं तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। राज्य का नाम लेते हैं, एक पौराणिक श्लोक कहा जाता है कि यो अस्मरेत पुंडरीक अक्षय सबा अभ्यंतर सूचि, जो पुंडरीक यानी कमल के समान नेत्रों वाले विष्णु भगवान का स्मरण कर लेता है वो अंदर बाहर पवित्र हो जाता है। तो यदि संसार के लोग नारायण का नाम लेने मात्र से पवित्र हो जाते हैं तो राज्य का नाम लेकर आप कुछ भी खा लेंगे तो ये मत समझिए कि आपने, आपको किसी ने प्रसाद दिया है और आपने खा लिया तो आपने राज्य को जूठन खिला दिया। नहीं, वो तो शालिग्राम और शिवलिंग, पहले न विष्णु है न शिव है, न पत्थर का कि हनुमान जी हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो एक महान योगीराज हैं और वो अखंड ब्रह्मचारी हैं, सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते रहते हैं, पत्थर की मूर्ति से उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, श्रद्धा भाव से जो उनकी का ध्यान करता है, भक्ति करता है, उसको दर्शन दे देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि योग दर्शन में लिखा है मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम। मूर्धा ज्योति में, मूर्धा में ज्योति का ध्यान करेंगे, जिस इष्ट का संकल्प लेकर, राम का, हनुमान का, शिव का, तो उन महापुरुषों का दर्शन हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु ये तो परमात्मा तो नहीं है ना, आप परमात्मा पर हृदय समर्पित किए हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा पर प्रेम करते हैं, तो कोई भी आपको कुछ भी देता है आप राज्य का नाम लेकर खा लीजिए, क्योंकि आपने तो समर्पित कर दिया ना। मूर्तियाँ परमात्मा नहीं है और न ही हमें डरना चाहिए कि उस मूर्ति को लगाया हुआ भोग हमने खा लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम राज्य की दृष्टि में गिर गए। ये जरूर कुछ कथाएं कही जाती हैं कि किसी की निष्ठा रही, उसने प्रसाद नहीं खाया, ये कई विवाद हुए जिसके कारण नेपाल में भी ये घटना घटी थी। ये निष्ठा की परीक्षा है, हमारी निष्ठा में कमी नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, प्रसाद का निष्ठा से कोई विशेष संबंध नहीं है। हाँ, कर्मकांडी लोगों के लिए प्रसाद सर्वोपरि है और इसी में विवाद खड़ा करते हैं कि आपने प्रसाद खा लिया तो आप राज्य के देश से ईमान से रहित हो गए। अहंकार को जीतना तो बहुत कठिन है, क्योंकि यदि अहंकार ही मनुष्य जीत ले तो वो तो परमहंस बन जाएगा। घृणा को जीतना सरल है, किसी के प्रति हमारे मन में घृणा होती है किस कारण से, हमारे स्वार्थ में बाधा पहुंचती है, ऐसा लगता है कि यदि हम उसको प्रतिद्वंदी अपना समझते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या धन के क्षेत्र में, तो उससे हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष और घृणा के विकार पैदा हो जाते हैं। हम किसी, हमारे अंदर घृणा क्यों पैदा होती है, ये हमारे निज मन का विकार होता है कि उसको हम छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को छोटा समझने की जो प्रवृत्ति है वही घृणा में विकृत रूप ले लेती है। यदि हम ये समझ जाएं कि परमात्मा क्या है, सर्वभूत अधिवासा, एको देवा सर्वभूतेश गुणा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, सभी प्राणियों का जो वासस्थल है केवल एक परमात्मा है। तत्र का मोह का शोका यो एकत्वम अनुपस्थित, सब में एक चेतना को जो देख रहा है, जो ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक चेतना को देख रहा है, वो स्वाभाविक है सर्वे सर्वभूतेश आत्मान आत्मच सर्वभूतान या पश्यत पंडित, वही तो विवेकवान है। लेकिन जो इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा उसके अंदर भी अहंकार की ग्रंथि रहती है। अहंकार की ग्रंथि केवल प्रेम से जाती है और तत्व ज्ञान से जाती है। जानने तत्व ज्ञान और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि से हमने ग्रंथ पढ़ लिया, तारतम वाणी पढ़ ली, खिलवत के प्रारंभिक 5 प्रकरणों को पढ़ लिया, तो ये ज्ञान है, हमने समझ लिया कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारने मैं, इसकी हम बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमने मैं को मार लिया। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं, हमारे जीवन में अनुभूत सत्य हो, हम चितवनी की राह पर चल पड़े हैं, अपने को बहुत निर्मल कर लिए हैं, सतोगुणी इतना बन गए हैं, कोई पत्थर भी मारता है, गाली भी देता है तो मुस्कुराते रहते हैं, चितवनी में डूबे रहते हैं, राज्य के प्रेम में डूबे रहते हैं। और इस अवस्था में हम अहंकार को जीतने की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ,
इन मैं में डुब्या सब कोई, याको पार न पावे कोई, याको पार सुपावी जाको मुतलक बख्शिस होए। राज्य की जिस पर विशेष कृपा होगी वही मैं खुदी से पार हो पाएगा, अन्यथा इस संसार में योगी को अपने योग अहंकार की मेरे जैसा कोई साधना करने वाला नहीं। यदि वो 5-6 घंटा बैठ गया तो सबको सुनाता फिरेगा, आपको मालूम है कि मैं एक बार के मैं 6 घंटा बैठ जाता हूँ। समाधि लगे तो उसका ढिटोरा पीटा जाएगा, किसी ने तपस्या कर ले तपस्या का ढिटोरा पीटा जा रहेगा। 4 विद्वान बैठे हैं, एक की प्रशंसा कर दीजिए 3 की न कीजिए तो देखिए उनका चेहरा तमतम आ जाता है। कहने का आशय क्या है, धनवान को धन का अहंकार है, विद्वान को अपनी विद्या का अहंकार है, रूपवान को अपने रूप का अहंकार है, प्रतिष्ठा वाले को प्रतिष्ठा का अहंकार है, पद वाले को पद का अहंकार होता है। कोई व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाएगा, अपने जीवन में अच्छे पद पर रहेगा तो सबको अपनी किस्से सुनाता फिरेगा, आपको मालूम है मैं इतने बड़े पद पर रहा हूँ, इतना मेरा रूप दाब था है क्या। ये सब कुछ कहीं ना कहीं अज्ञानता है, अहंकार अंदर में बीज रूप से बैठा हुआ है। कोई धनवान व्यक्ति अचानक ही संन्यास लेगा तो सारे महात्माओं को सुनाता फिरेगा, आपको पता है मैं करोड़ों की दौलत को ठोकर मार कर आ गया हूँ। भाई तूने ठोकर तो मारा है लेकिन अहंकार को पाल रहा है कि मैंने ठोकर मार दी है। जिसको थोड़ी भी उपलब्धि होती है उसका बीज अहंकार के रूप में बना रहता है। अहंकार घटेगा कैसे, मैंने कहा कि तत्वज्ञान। तत्वज्ञान कैसे आएगा, जब अपना हृदय समर्पित करते हैं आप परब्रह्म के प्रति और परब्रह्म की कृपा होती है तो आपके अंदर हृदय में जो अनुभूत सत्य प्रकट होता है वो तत्वज्ञान कहलाता है। जैसे जैसे प्रेम की तरफ कदम आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यह होगा कि आपके हृदय में परब्रह्म की कृपा की वर्षा होनी शुरू हो जाती है और आपका अहंग मिटता जाता है। बिना प्रेम के आज तक अहंकार किसी का नहीं मिटा है। आपने देखा होगा लैला मजनू के कई किस्से सुने होंगे, संसार के प्रेमियों के भी किस्से सुनने होंगे। कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में जाता है, उसका अधिकारी उसको डांटता है तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है, उसका बस चले तो नौकरी छोड़ देता लेकिन वो सोचता है कि मेरा घर कैसे चलेगा, तो मन महसूस कर अधिकारी की डांट सह लेता है। घर आने पर यदि उससे ज़्यादा डांट उसकी पत्नी डांटे तो मैं समझता हूँ उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो सोचता है कि पत्नी को कैसे छोड़ूं क्योंकि उसके मोह से बंधा हुआ है। प्रेम और मोह दोनों अलग अलग रूप हैं। प्रेम त्रिगुणातीत अवस्था है और मोह रजोगुण तमोगुण की आवश्यकता है। सतोगुण में स्नेह के रूप में वही मोह पुष्पित होता है, रजोगुण में आसक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है और तमोगुण में मोह के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जो संसार के प्राणियों का लगाव है। कोई लड़का किसी लड़की से लगाव रखता है और लड़की उसको घृणा से मुंह भी फेर लेती, पत्थर भी मार देती है तो भी उसको सहन करता है, उसने अपना अहंग मिटा दिया है। ब्रजलीला के हम प्रेम का उदाहरण देखें तो श्री कृष्ण जी राधा के पैर दबाते हैं, क्यों, यह दर्शाने के लिए कि प्रेम में अपने अहंग को मिटाना होता है। यदि कोई व्यक्ति चितवनी करता है, अरबोपति है और सोचे कि मैं अरबोपति हूँ, राज्य मेरे चितवनी करने से तुरंत मेरे सामने आएंगे, तो उसका भ्रम है, उसे अपने अरबोपति होने का अहंकार मिटाना होगा। वो तन की मन की धन की जो भी सेवा कर रहा है उस सेवा का अहंकार मिटाना पड़ेगा। एक योगी को भी अपनी योग साधना का अहंकार मिटाना पड़ेगा। भक्ति करने वाला भी यदि अपनी भक्ति का ढोल पीटा करता है, अहंकार दिखाता है कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, तो अहंकार का पर्दा उसने कर लिया। जैसे एक बीज जमीन पर रहता है तो अंकुरित नहीं हो सकता, उसको मिट्टी में मिलना पड़ता है, उसी तरह से अहंकार को छोड़े बिना कोई भी प्रेम का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता और बिना प्रेम के राज्य नहीं मिल सकते। हँसी हँसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। रोता कौन है जो अपने अहंकार को मिटा देता है। इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझिए। 5 साल का बच्चा है, घर में दादाजी हैं, दादाजी मान लीजिए कोई IAS अधिकारी रह गए हैं, वो 5 साल के अपने पोते को कहेंगे कि देख मैं IAS अधिकारी हूँ तो मेरे सामने ठीक से बैठ। बैठ तो जाएगा लेकिन बच्चे का प्रेम नहीं पा सकते। बच्चे का प्रेम पाने के लिए उन्हें अपने IAS का रुतबा हटाना पड़ेगा, उनको बच्चे के सामने बच्चा बनना पड़ेगा,
क्योंकि बच्चे के लिए और वो पति का कोई महत्व नहीं है, बच्चे के लिए आईएएस के पद का कोई महत्व नहीं है। वो बच्चा तो देखेगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रेम के स्तर पर है तो अपने हृदय का प्रेम देगा, नहीं तो डर के मारे सामा रहेगा, दूर भाग जाएगा। यदि आप राज्य का प्रेम चाहते हैं तो आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और अहंकार के लिए आपको प्रेम का मार्ग अपनाना पड़ेगा। अहंकार का छोड़ना और प्रेम को ग्रहण करना, दोनों का मार्ग एक ही है, बस दोनों में चोली दामन का साथ है। जैसे ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह से जब मनुष्य प्रेम के परम तत्व को प्राप्त, प्रेम का सार तत्व क्या है, राज्य, और प्रेम के रास्ते पर चले बिना आप अहंकार की निवृत्ति नहीं कर सकते। आप बड़ी बड़ी साधनाएं करके प्रेम के मार्ग पर चलने की योग्यता बना सकते हैं, किंतु साधनाओं का यदि अहंग है आपके अंदर तो आपसे प्रेम दूर हो गया। बिना अहंकार खोए कोई ये सोच ले कि मैंने धर्म ग्रंथों का इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया, मैंने इतनी साधनाएं कर ली, किंतु सबका अहंकार पाला है तो प्रेम से वो दूर हो जाएगा। प्रेम की पहली सीढ़ी है अपना सर्वस्व त्याग, अपना हृदय दे देना। जब आपने हृदय ही दे दिया तो आप कुछ सोच नहीं सकते। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जनक जी ने कहा था कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय के अंदर मुझे ब्रह्मज्ञान चाहिए। और आपको मालूम है कि जो अभ्यस्त होता है घोड़े पर चढ़ने का, वो छलांग लगाकर एक मिनट में घोड़े पर आसानी से चढ़ सकता है। जिस ब्रह्मज्ञान को सारे जीवन में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको एक मिनट में कैसे प्राप्त किया जाए। अष्टावक्र ने कहा कि मैं तुझे एक पल में वो ज्ञान दे दूंगा, लेकिन मुझे दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा में जनक मुझे तुम्हारा मन चाहिए, और यह कह करके चल देते हैं। जनक सिंहासन पर बैठे हैं, सोचते हैं कि यदि मैं अपने इस मन से कुछ सोचता हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ, इस मन पर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। अब जब मन की सारी क्रिया हो गई तो समाधि लग गई, सारी दुनिया इसी मन के चक्कर में ही तो फंसी है, इसी मन से अहंकार का प्रकटन हो रहा है। मूल प्रकृति मोह अहं थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौदह भवन। पाताल से लेकर बैकुंठ तक मोह और अहंकार का खेल चल रहा है। राजा हो, रंग हो, देवी हो, देवता हो, असुर हो, सभी मोह और अहंकार में फंसे हैं। अहंकार से तो कोई रहित हो ही नहीं सकता। आप पानी पिएंगे तो सोचेंगे कि मैं पानी पीऊं, जैसे मान लीजिए कि मैं सोचता हूं कि मैं राजन स्वामी हूं, तो यह भी अहंकार है। शुद्ध अवस्था में तो मैं राजन स्वामी हूं यह भी याद नहीं रहेगा, केवल तू रह जाएगा। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए विशुद्ध प्रेम चाहिए। विशुद्ध प्रेम के लिए आपको चितवनी की राह अपनानी पड़ेगी, वाणी का चिंतन करना पड़ेगा। चितवनी में प्रेम के स्वरूप अक्षर अतीत हैं, उनको दिल में बसाते बसाते ऐसी अवस्था आ जाएगी, जो जो अर्श हुए नजदीक तो खेल हुए दूर। जैसे जैसे राज्य की शोभा आपके हृदय में बसती जाती है, माया का अंधकार मोह अहंकार दूर होता जाएगा। इसलिए अहंकार को दूर करने के लिए चितवनी, प्रेममयी चितवनी का मार्ग अपनाइए। अपने आहार को सात्विक कीजिए, वाणी का चिंतन कीजिए, सभी प्राणियों में स्वयं को देखिए। आहुति करते देते समय यज्ञ में जब आहुति जाती है तो स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। पौराणिक मानते हैं कि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अग्नि की पत्नी का कोई है ही नहीं, अग्नि तो जड़ पदार्थ है। स्वाहा का अर्थ होता है सुआहितवा स्वप्राहितवा स्वाहितम हविष्योत, यानी मधुर सभ्य और शिष्ट भाषण करना। दूसरों के साथ हम वैसा ही व्यवहार करें जो दूसरों से हम चाहते हैं। पूर्ण आत्मत्याग को ही स्वाहा कहते हैं। इंद्राय स्वाहा का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य स्वरूप परमात्मा के लिए मेरा पूर्ण त्याग है, मेरा पूर्ण समर्पण है। इदम मम न मम का अर्थ क्या होता है? यह मेरा नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, हम जो आहुति डाल रहे हैं परमात्मा यह भी हमारा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। वयम तव तुम अस्माकम, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, यह वैदिक उद्घोष है। वाणी में कितनी गहनता से ये बात दर्शाई गई है कि मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूँ। और खिलवत के प्रारंभिक चार प्रकरणों में इस बात को बहुत गहराई से दर्शाया है धामधनी ने। यदि हमको आत्मसात कर ले तो हमारे अंदर किसी तरह का अहंग नहीं रहेगा। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, मूल स्वरूप जैसा दिल में लेते हैं वैसे ही यहाँ होता है। यदि मूल स्वरूप की इच्छा न हो तो मिहराज श्रीराज के रूप में नहीं हो सकते थे।
मूल स्वरूप की इच्छा नहीं होती तो देवचंद जी के अंदर राज्य बैठकर लीला नहीं कर सकते थे। मूल स्वरूप की प्रेरणा नहीं होती, इच्छा नहीं होती तो महाराजा छत्रसाल जी को उतनी बड़ी शोभा नहीं मिल सकती थी। तो यहाँ किसी को जो भी शोभा मिल रही है राज्य की कृपा से मिल रही है। यदि आपने कोई महान कार्य कर दिया तो जैसे मुसलमान जितने आतंकवादी भी होते हैं हर बात में इंशाअल्लाह शब्द का प्रयोग करते हैं, इंशाअल्लाह मैं भारत को नेस्तनाबूद कर दूंगा, हर बात में कहेंगे। इस इंशाअल्लाह का अर्थ क्या होता है? अल्लाह चाहे तो क्या अल्लाह उनका यही कहता है कि भारत को नष्ट कर दो या उसको मार दो? नहीं, एक तकिया कलाम बन गया है। हम सुंदर साथ भी यही तकिया कलाम रटे रहते हैं, राज्य का हुक्म होगा तो हम कर देंगे। हम करते हैं अपनी मनमानी, हुक्म और मेहर को हमने अपने लिए ढाल बना लिया है। हम अपनी बड़ाई करेंगे और कहेंगे कि देखिए राज्य की मेहर से हो गया, अंदर से क्या करते हैं कि नहीं ये तो मैंने किया है। यदि कोई कह दे कि नहीं ये बहुत गलत किया है तो आप नहीं कहेंगे कि जैसी राज्य की कृपा थी, मेरी जैसी सामर्थ्य मुझे मिली मैंने कर दिया। आप तुरंत उत्तेजित हो जाएंगे कि मेरे काम को आप गलत कह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? आपने तकिया कलाम को रट्टा लगा रखा है आतंकवादियों की तरह, इंशाअल्लाह जैसे वो प्रयोग करते हैं आप भी कहते हैं कि राज्य के हुक्म से, राज्य की मेहर से ऐसा हुआ है। सच्चाई यह है कि राज्य के हुक्म और मेहर के पर्दे को लेकर आपने अपने अहंकार का एक महल खड़ा कर रखा है। जिस दिन अंदर से भी आप उस अहंकार को छोड़ देंगे उस दिन आपके लिए परमधाम का दरवाज़ा बहुत खुल जाएगा। इसलिए कहा है मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। तो यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। आप सोचिए ये मैं खुदी तो मिटती नहीं। आप मैं खुदी को मारिया कहिया, मैं खुदी को हमने मार डाला, काढ़िया कहिया मैं खुदी को निकाल दिया, और कहिया हो जुदा और इससे भी अलग हो गए। आपके मन में ये संस्कार भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने मैं खुदी को जीत लिया। जैसे आपने विनम्रता की एक चादर ओढ़ रखी है और सबको कहते फिरते हैं देखिए मैं तो अब बहुत विनम्र हो गया है, कोई मुझे पत्थर भी मारे तो मुझे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपनी विनम्रता का प्रचार कर रहे हैं और इसके पीछे आप विनम्रता का एक अहंकार का आपने पर्दा बना रखा है, उसको भी तोड़ दीजिए। आप मुंह से मत कहिए कि मैंने विनम्रता में बहुत अधिक गति प्राप्त कर ली है। आप किसी को मत सुनाइए कि मैं तो राज्य के प्रेम में डूब गया हूं। आप किसी को भी मत कहिए कि मैंने अहंकार को जीत लिया। यदि आप कहते हैं कि मैंने अहंकार को जीत लिया है तो उसमें भी तो अहंकार छिपा हुआ है। इसलिए राज्य क्या कह रहे हैं, मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा। मैं खुदी को मारने और निकालने के भाव से भी आप अलग हो जाइए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो क्या होगा, बाकी रहिया खुदा। उस समय आप नहीं रहेंगे, आप राज्य के स्वरूप बनकर रहेंगे, आप मार्फत को उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। और यही हमसे हो नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी यही है क्योंकि हम अपना दिल राज्य को नहीं दे पाते। कुछ राज्य की चितवनी करते हैं तो पहले ही फरमाइश मांग लेते हैं, राज्य आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। हम ये नहीं सोच पाते कि जब हमने अपना हृदय दे दिया तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अपना हृदय हथेली पर रखकर उनको दे दीजिए और अपने स्वयं को उनके प्रति समर्पित कर दिए। जो करेंगे ठीक करेंगे, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हदीपना, या बैठाओ मैं तकसीर। समर्पण इसको कहते हैं। आपकी इच्छा हो सुख दिखाओ, आपकी इच्छा हो दुख दिखाओ, आपकी इच्छा हो हमें गुनहगारों की पंक्ति में खड़ा कर दो या आप हम सबका पथ प्रदर्शक बना दो। हमें हर हालत में जिसमें तेरी रजा है हमारी रजा भी उसी में है। और जब हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो मेहर सागर का गोटा पढ़ करके मन्नत क्यों मांग करते हैं? हम तो मेहर सागर का 40 दिन पाठ करेंगे फिर एक बहुत बड़ी लिस्ट राज्य को पकड़ा देते हैं कि राज्य हमारी ये भी फरमाइश पूरी कीजिए, ये भी फरमाइश पूरी कीजिए। ये क्यों है? कहीं ना कहीं मोह अहंकार हमारा पीछा कर रहे हैं। घृणा को जितना सरल है अहंकार को जितना बहुत कठिन है। मोह से अहंकार पैदा होता है और जिसने अपने अहंक को जीत लिया राज्य के प्रेम के पथ पर चलकर अपना हृदय उनको देना शुरू कीजिए। राज्य से केवल दीदार की चाहत रखिए कि मैं जी भर कर देखूं। एक बात याद रखिए,
मैं तो तुम्हारी कियल, इस मंत्र को याद कर लीजिए, इस चरण को अपने जीवन में उतार लीजिए कि मैं केवल आपके हूँ, मेरा हृदय आपके लिए है, मेरा हृदय आपके प्रति समर्पित है। और जब ये भावना हो जाएगी कि जो आप करेंगे मुझे उसी में खुशी है, तो आप नारियल चढ़ाकर मन्नत नहीं मांगे करेंगे, पाठ पारायण रखकर मन्नतें नहीं मांगा करेंगे। आप बताइए, सीता राम के साथ वनों में रहती है, क्या कभी गिले शिकवे करती? हाँ, द्रौपदी ने गिले शिकवे कर दिया है, सीता ने कभी नहीं किया है। सारे कष्ट झेलने के बाद उसको सीता को लगता है कि मैं राम के साथ हूँ तो मेरे लिए बैकुंठ से भी अधिक सुख है। वही भावना हमें रखनी होगी कि राज्य हमारे शहरक से अधिक नज़दीक है और जो हमारी प्राण नली से भी निकट हो, जिस हाल में रह रहा है उसको उसका आशीर्वाद समझकर हमें केवल विशुद्ध प्रेम करते जाना है। हम संसार वालों की देखा देखी नारियल चढ़ाकर के मन्नतें मांगने लगते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, तरह तरह की इतने लाख की साल चढ़ा देंगे, इतने लाख का बागा चढ़ा देंगे, ये कर देंगे तो राज्य हमारी ये इच्छा पूरी कर देंगे। ये प्रेम का व्यापार है, आप अपने प्रेम में दाग न लगाइए। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम हृदय के सौंपने का नाम प्रेम है, उसके बदले कुछ चाहत नहीं होती। और राज्य ने आपको जान दिया है, राज्य ने आपको हुक्म की शक्ति दी है, सारा संसार आपका कहना मानता है, फिर भी अपने ऊपर मत लीजिए। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आसान, पहुँचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तीन गुमान। क्या कहा है इस चौपाई से पहले की चौपाई में कहा है, विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना जले होए नहीं दिल पाक। बिना विरह के काम क्रोध अहंकार मिटते नहीं हैं, और विरह और प्रेम की भट्टी में जलकर काम क्रोध अहंकार आदि विकारों का पतन होता है, विनाश होता है। और जब वो प्रेम की घड़ी आ जाती है तो प्रेम के उस रस में डूबकर आत्मा अपने प्राणेश्वर से मिलन करती है, दोनों एक रूप हो जाते हैं। लहर जब आकाश में उमड़ती है तो उसको लहर कहा जाता है, गिरने के बाद वो सागर के जल में विलीन होकर सागर कहलाने लगती है। उसी तरह से जब तक आप अपने को जीव भाव में देख रहे हैं, आत्म भाव में देख रहे हैं, जब तक आप अपने को परमधाम की परात्म के भाव से राज्य के हृदय में डुबकी लगाने की प्रक्रिया में आप सम्मिलित नहीं होते हैं, तब तक कहीं ना कहीं अहंकार का एक पर्दा बना दिख रहा होता है। जब राज्य के हृदय के प्रेम रूपी सागर में डुबकी आप लगा लेते हैं तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उस समय आप में और राज्य में किसी तरह का भेद नहीं रह जाता। इसलिए अहंकार को छोड़ने के लिए विशुद्ध प्रेम की तरफ कदम बढ़ाइए, अहंकार अपने आप चला जाएगा। और जब राज्य की कृपा होती जाएगी, आपका हृदय निर्मल होता जाएगा, तो निश्चित है कि आपके अंदर किसी के लिए घृणा रहेगी नहीं। घृणा आप क्यों करते हैं? घृणा तो एक ऐसा विकार है जो आपको सबसे अधिक जलाता है। उस घृणा के कारण आप क्रोध करते हैं, उस घृणा के कारण आप ईर्ष्या करते हैं, उस घृणा के कारण आप अपनी आत्मा की पवित्र आत्मा के पवित्र सिंहासन पर कचरे का ढेर रख दे रहे हैं। आप सोचते हैं कि घृणा करके आप खुश हो रहे हैं? नहीं, आप किससे घृणा कर रहे हैं? ये तो संसार की सबसे जिस हृदय में घृणा हो उसमें प्रीतम का प्रेम कहाँ से आ सकता है? एक बार भगवान बुद्ध को एक सेठ ने निमंत्रण दिया। सेठ को धन का बहुत अहंकार था। जब भगवान बुद्ध उनके घर भोजन करने गए तो खीर लेकर के आया। भगवान बुद्ध अपने कमंडल में गोबर भर कर ले गए थे गोबर। जब खीर जैसे ही डालने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो कहा कि भगवान, आपके तो कमंडल में गोबर भरा है, मैं कैसे इसमें खीर रखूं? बुद्ध हंसने लगे, कहने लगे कि सेठ जी, आप क्रोध लोभ मोह घृणा के विकारों से युक्त हैं, आप मुझसे ज्ञान की अपेक्षा कर रहे हैं, तो पहले इनके विकारों को दूर कीजिए, तभी तो मेरा ज्ञान आपके हृदय में प्रवेश करेगा। आप सोचिए, आप अपने हृदय के सिंहासन पर राज्य को बसाना चाहते हैं और आप घृणा के विकारों से ग्रसित हैं, तो आपके हृदय में कहाँ से राज्य के चरण कमल पड़ जाएंगे? आप अरबोपति हैं तो किसी गरीब को देखकर घृणा मत कीजिए। आप विद्वान हैं तो मूर्ख से घृणा न कीजिए। आप सुंदर शरीर वाले हैं तो किसी कुरूप से घृणा न कीजिए। आप
बड़े पद पर हैं तो किसी चपरासी या कि रिक्शा वाले को देखकर घृणा न कीजिए, अपितु तो सबके अंदर एक चेतना को देखिए कि वही चेतना सभी प्राणियों के अंदर है, जो गाय में है, कुत्ते में है, चंडाल में है, जो ब्राह्मण के अंदर है, वही सबके अंदर है। जब सबके अंदर एक चेतना को देखने लगेंगे, आत्म सौनी एक दिशे जुजवित दिशे दे, सबके अंदर एक परम धाम की आत्मा को देखिए, फिर घृणा आपके अंदर रहेगी कहाँ। यदि आप पंजाबी हैं तो दूसरों में खोट निकाला करते हैं, अरे ये तो नेपाली ऐसे होते हैं, गुजराती ऐसे होते हैं, गुजराती हैं तो कहेंगे कि पंजाबी और नेपाली ऐसे होते हैं, नेपाली हैं तो कहेंगे अरे पंजाबी और गुजराती ऐसे होते हैं, यूपी के हैं तो सब में खोट निकाला करते हैं। ये क्यों? क्योंकि घृणा के आप शिकार हैं। इस घृणा को निकाल दीजिए। जब तक आपके अंदर घृणा रहेगी तब तक आपके हृदय सिंहासन पर राज्य के चरण कमल नहीं आएंगे। ये घृणा का विकार, अहंकार का विकार, ये सबसे बड़ा शत्रु है। संसार में कोई आपका शत्रु नहीं, जो आपके अंदर ये विकार हैं यही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, जो आपको राज्य के चरणों से दूर कर रहे हैं। ऐसा है, सिर में दर्द होने के कई कारण हैं। आपको हो सकता है वात दोष होता है, जब कई कुछ सिर दर्द के कई कारण होते हैं, जिनके कफ दोष हैं कफ के कारण दर्द होता है, किसी का पित्त दोष होता है पित्त के कारण दर्द होता है, किसी का वात दोष होता है। हो सकता है आपके बैठने के तरीके से में कहीं गड़बड़ी होती है। ये योग दर्शन का सूत्र है, ततो द्वंद्व न अभिघाता। यदि आपका आसन सिद्ध होता है हो जाता है तो शीत उष्ण भूख प्यास आदि द्वंद्वों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। आप कई घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आसानी से बैठे रह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप आसन में बैठिए तो शरीर भाव से अलग होने के लिए एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि मेरी उंगली भी हिले डुले नहीं। जैसे अब देखिए, भूकंप आने के समाचार आप सुनते रहते हैं, भूकंप एक बार आता है तो धरती हिल जाती है। धरती जब हिलती है तो मकान में दरारें पड़ जाती हैं और मकान कमज़ोर होता है। उसी तरह से जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो आपका हाथ पैर हिलता रहेगा तो समझ लीजिए आप भूकंप, आपका शरीर रूपी मकान भूकंप के का शिकार हो गया है और आपका आसन जम नहीं सकता। इस तरह से बैठिए कि आपका शरीर हिले डुले नहीं। हाँ, मच्छरों से आप अपना बचाव कीजिए, क्योंकि मच्छर काटते रहेंगे तो अमूमन पीड़ा से आहत होकर आपको हाथ वहाँ ले जाना पड़ेगा। शरीर में खुजलाहट की प्रकृति है तो खुजलाइए नहीं। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आप शरीर के भाव से रहित हो जाएंगे, शरीर की प्रतीति नहीं होगी। इसको कहते हैं देह अध्यास की से रहित होना, यानी शरीर है ही नहीं ऐसा भाव आ जाएगा। जब शरीर का भाव रहेगा ही नहीं तो दर्द की भी अनुभूति नहीं होगी। यदि आप 3 घंटे की पिक्चर बैठते समय आपके सिर में दर्द नहीं होता है और चितवनी समय में दर्द होता है तो कहीं ये आपका मनोविकार है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, यदि 1 घंटे 2 घंटे पिक्चर देखते समय भी यदि दर्द नहीं होता है तो ये मन का भ्रम मात्र मैं मानूंगा, और यदि पिक्चर में भी देखते समय उसी तरह से बैठकर, जैसे आप ध्यान करते समय बैठते हैं उसी तरह से बैठकर टीवी पर पिक्चर देखिए, यदि उस समय भी दर्द हो जाए तो ये रोग है, किसी न किसी रूप से गैस ऊपर जाती होगी जिसके कारण दर्द होता है। यदि सामान्य अवस्था में दर्द नहीं होता है उसी समय तो सोचिए, यदि सवेरे उस समय दर्द होता है तो हो सकता है माइग्रेन हो, कुछ और कारण है, रोग के कारण पर जाइए। और यदि चितवनी के समय ही दर्द होता है तो समझिए ये कहीं मेरा कहीं भ्रम है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ अनंते वा समापन्नम चित्तम आसनम निवर्त्यत। अनंत में परमात्मा में, अनंत का तात्पर्य परमात्मा में, जब धारणा प्रबल हो जाती है, ध्यान परिपक्व हो जाता है तो सिर दर्द का आभास नहीं रहता। सिर दर्द का कोई ना कोई कारण है, उस कारण को ढूंढिए कि गैस का दर्द है या मेरे मन का कहीं भ्रम तो नहीं है। अपने दृढ़ संकल्प से आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और जब आपकी धारणा प्रबल होगी तो निश्चित है कि ये भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि पिक्चर देखते समय दर्द नहीं आता है तो समझिए कि मात्र भ्रम है। और उस शुद्ध हृदय से जब ध्यान करेंगे तो आपका शरीर का आभास रहेगा नहीं, तो दर्द कहाँ से आएगा। इसलिए
दर्द की चिंता न कीजिए, आप चितवन के मार्ग पर बढ़ते जाइए। किशोरावस्था में मन प्रेम का भूखा होता है, क्योंकि उसमें शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो हृदय प्रेम की तरफ बढ़ता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं किशोरावस्था में ही भक्ति की तरफ उन्मुख हुए हैं, चाहे दयानंद हो या जितने भी महापुरुष हैं, किशोरावस्था में 17 साल के बाद, 16 साल के बाद उनमें भक्ति का अंकुरण जगता है, चाहे देवचंद जी भी हों, सब लोग घर छोड़ करके उसी समय भक्ते हैं। लेकिन यदि उस समय आजकल का जो वातावरण है उसमें काफ़ी विकार देखने में आता है, मोबाइल से मनोविकार को फैलाने वाले कितने संसाधन हैं, टीवी है, सिनेमा है, किंतु एक ऐसा हृदय हो जो सच्चे हृदय से राज्य से प्रेम करता हो और उस व्यक्ति को विकारों से दूर रखा जाए, बुरी संगति से दूर रखा जाए, बुरे विचार भी उसके अंदर न पनपने दिए जाए, तो मैं समझता हूँ ये बंधन नहीं है कि 40 साल के बाद ही राज्य मिलेंगे। किशोरावस्था में भी ध्यान समाधि तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन वैसा मार्ग दर्शाने वाला कोई परमहंस होना चाहिए, कोई ऐसा सदगुरु मिले जो अपने सांचे में किसी बालक को बचपन से ढालना शुरू करे तो उसका प्रेम उस तक पहुंचा सकता है, जो प्रहलाद ने पाया, ध्रुव ने छोटी अवस्था में ही प्राप्त कर लिया। तो किशोरावस्था जो 12 साल से लेकर 16 साल 18 साल तक होती है, 18 साल की अवस्था से पहले समाधि प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, जब भया बरस 11वां तो मन उपजो विचार, 11 वर्ष की अवस्था में देवचंद जी के अंदर ये बात आती है, 16 साल की अवस्था में वो बारात के पीछे चलते हैं, तो आखिर उनकी अटूट निष्ठा के कारण राज्य को पठान के भेष में दर्शन देना पड़ता है। यदि 16 साल की अवस्था में, 15 साल की अवस्था में ऐसा वातावरण होता जिसमें देवचंद जी के अंदर अक्षरातीत का ज्ञान आ जाता और उनको चितवनी करवाई जाती, तो संभवतः देवचंद जी का जीव इतना पवित्र था कि 16 साल की अवस्था में ही ध्यान के द्वारा राज्य को साक्षात देख सकता था, समाधि में डूबा जा सकता था। ये अवसर हमारे लिए धामधनी ने दिया है, किंतु हम बच्चों को वैसी प्रक्रिया में नहीं ले जाते, हम तो कहते हैं कि अरे 5 चौपाई पढ़ लो, प्रसाद ले लो, यही सब सिखाते फिरते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी युवा पीढ़ी या तो राज्य से दूर हो जा रही है या उसकी आस्था में बहुत अधिक बाधा पहुंच रही है। उम्र का कोई बंधन नहीं होता, 16 साल का बच्चा यदि बुरी संगति से दूर है, बुरे विकारों से दूर है, तो ध्यान समाधि को प्राप्त कर सकता है। 40 साल का जो बंधन इसलिए किया गया है कि 40 साल की अवस्था में परिपक्वता होती है सामान्य रूप से, इसलिए देवचंद जी के तन से, मिहिराज के तन से 40 साल के बाद प्रबल लीला हुई। लेकिन याद रखिए 16 साल की उम्र में पहली बार देवचंद जी ने पठान के भेष में ही तो देखा, लेकिन देखा, और उसके पश्चात 26 साल की अवस्था में चितवनी में देवचंद जी ने अखंड ब्रज का दर्शन कर लिया, ब्रज बिहारी के रूप में राज्य का दर्शन कर लिया। तीसरी बार जब दर्शन होता है तो उनकी उम्र 40 वर्ष होती है, किंतु वो कई उपासना की कई पद्धतियों से होकर गुजरे, मूर्ति पूजा भी किए, कई जगह किए, केवल ध्यान ही करते, तो मुझे विश्वास है कि देवचंद जी या महाराज के जीव को यदि किसी हिमालय की गुफा जैसे किसी एकांत स्थान में रहकर ध्यान कराया जाता, तो जैसे आप देखेंगे कि जब मिहिराज 25 वर्ष के होते हैं तो उनमें अपने भाई के देह त्याग के पश्चात काफ़ी विरह की प्रबलता बढ़ जाती है और कठोर साधना द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, तब 28 वर्ष की अवस्था में 1703 में श्री देवचंद जी उनको अरब की यात्रा पर भेजते हैं। यदि मिहिराज जब जो 12 वर्ष की उम्र में तारतम लेते हैं, किसी तरह से मिहिराज को कह दिया जाता है कि मिहिराज 15 साल की वर्ष की उम्र में तुम्हें समाधि तक पहुंचना है, ऐसा ऐसा करो, दिन रात ध्यान कराया जाता, तो मुझे विश्वास है कि मिहिराज भी 16 साल 17 साल की अवस्था आते आते समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकते थे। हमारा बच्चा जो विकारों से पैदा होता है, माता पिता पूर्व के संस्कारों से उतने पवित्र नहीं होते, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। रुक्मिणी जी ने कहा योगेश्वर श्री कृष्ण से कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, योगेश्वर श्री कृष्ण तो
योगीराज ठहरे। उन्होंने कहा कि रुक्मणी, यदि महान पुत्र चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ 12 वर्षों तक तुम्हें तप करना पड़ेगा। बद्रिकाश्रम दोनों पहुंच जाते हैं और वहां वेर खा खा कर 12 वर्षों तक श्री कृष्ण और रुक्मणी ने घोर तप किया। उसके पश्चात जो संतान पैदा होती है, किसी को देखकर पता ही नहीं लगता था कि कौन प्रद्युम्न है और कौन श्री कृष्ण है। आप देखिए, शंकराचार्य के माता पिता ने भी घोर तप किया था, तब शंकराचार्य का जन्म हुआ था। और आपको मालूम है कि दयानंद ने 14 वर्ष की उम्र में पूरा यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया था। यदि माता पिता आज के वातावरण में, माता पिता शादी होते ही हनीमून बनाने के लिए, आज हनीमून शब्द भी सुनकर आश्चर्य होता है, कहाँ कहाँ घूमने लगते हैं, तो पहले ही दिन विवाह का अर्थ ही भोग विलास बता दिया जाता है बच्चों को। तो उनकी जो संतान होगी उनके अंदर भी विषय विकारों के संस्कार रहेंगे। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? जब रावण के अत्याचार से पूरा आर्यावर्त त्राय त्राय कर उठा तो ऋषियों ने एक सभा की, उसमें अगस्त ऋषि को उत्तरदायित्व सौंपा गया कि दक्षिण भारत में केरला के राजा जो पवन हैं उनकी पत्नी अंजना को ब्रह्मचारी बनाना आपका कर्तव्य है। इधर विश्वामित्र वशिष्ठ को राम दशरथ जी के पुत्रों को परिमार्जित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अगस्त ऋषि राजा पवन के कुलगुरु थे। पवन का विवाह होते ही उन्होंने अलग कर दिया और कहा कि पवन, तुम रावण का विनाश करने में सक्षम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे पिता ब्रह्मचारी नहीं थे, इसलिए तुम अखंड ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर पाओगे। तुम अखंड ब्रह्मचारी को जन्म दे सकते हो। इसलिए विवाह के पश्चात अंजना और पवन को दोनों को अलग कर दिया गया। 12 वर्ष कहा गया कि दोनों को अखंड ब्रह्मचारी का पालन करना है। अब 12 वर्ष ब्रह्मचारी का पालन करने के बाद उनको हनुमान जैसा पुत्र पैदा हुआ जिसका एक घूसा खा करके रावण को मूर्छा हो गई थी। और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य, हनुमान जी का योगीराज होना, आप देखिए, जब चाहते तब अंतर्धान हो जाते थे, जब चाहते थे शरीर को बड़ा कर लेते थे, जब चाहते थे सूक्ष्म कर लेते थे। योग की आठों सिद्धियां अणिमा लगिमा गरिमा वसित सब हनुमान के पीछे पीछे घुमा करती थी। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी 16 साल 18 साल की उम्र में समाधि तक पहुँचे तो हमें भी माता पिता को पवित्र होना पड़ेगा, बच्चों को बुरे विचारों से दूर रखना पड़ेगा, छोटी उम्र से चितवनी करानी पड़ेगी, सात्विक आहार देना पड़ेगा, वैसा वातावरण करें। तो मैं 40 वर्ष के सिद्धांत को मैं नहीं मानता हूँ, इस सामान्य अवस्था में कहा जाता है। किशोर अवस्था में भी समाधि की प्राप्ति हो सकती है, राज्य का दर्शन हो सकता है, केवल चाहिए शुद्ध मार्गदर्शन। पहला शुद्ध मार्गदर्शन करने वाला, क्योंकि हम केवल पढ़ करके कोई चितवनी के मार्ग पर चल नहीं सकता। चितवनी की कई चीज़ें ऐसी होती है जो किताबों में नहीं लिखी जाती और प्रवचनों में भी नहीं कही जा सकती। एक सही मार्गदर्शन करने वाला हो, शुद्ध आहार विहार हो, उचित वातावरण हो, तो मैं समझता हूँ 16 वर्ष काफ़ी हैं। 16 से लेकर 18 वर्ष के बीच में भी समाधि की प्राप्ति हो सकती है।